जहां आज हम बात करने वाले हैं अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन एंड दैट इज अ NumPy. Why we should go for a NumPy? What is NumPy? इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे. And believe me, it is again one of the most important library for machine learning applications. सबसे most important question की what is NumPy? कि exactly NumPy है क्या? तो यहाँ पर मैंने NumPy के कुछ features लिखे हुए हैं. NumPy के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिनको हम one by one समझते हैं. सबसे पहली step, NumPy is stand for numerical Python. मेजर क्वेश्चन ये भी आता है कई बार इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि why NumPy faster than the list. There are lot of time this question asked in interview. How to access the functionality of NumPy module? Or what do you mean by NDRA? So NDRA is nothing but an object created to access the functions of NumPy. तो जब भी हम इस तरीके के कोई एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप करेंगे, जो कि हम 100% करेंगे जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो जब भी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना है, सो द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी नीड अ फास्टर कलेक्शन ऑफ द डेटा, जो हमें रिजल्ट फास्ट दे. एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज NumPy. व्हाई NumPy फास्टर देन द लिस्ट? उसका सबसे मेजर रीजन ये है, मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ दिस लाइब्रेरी रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस. इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, जहां पर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लेके जब कैलकुलेशंस की बात करेंगे, सो बॉस दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी हु प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर NumPy के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन एंड दैट इज अ NumPy. Why we should go for a NumPy? What is NumPy? इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे. एंड बिलीव मी, इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, जहां पर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लेके जब कैलकुलेशंस की बात करेंगे, सो बॉस दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी हु प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, कि क्या है NumPy, क्यों हम NumPy को यूज करेंगे. और जैसे जैसे अभी हम इसके इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे से कंफ्यूजन भी आएंगे, क्योंकि हम कोर पाइथन पढ़े हुए हैं, राइट. और कोर पाइथन में हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने टपल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ओके. तो जब हम NumPy को डिफाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट डोंट वरी, हम उस कंफ्यूजन को भी क्रिएट करेंगे. और क्यों NumPy को हम यूज करने वाले हैं, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंटली हम आज करने वाले हैं, कि व्हेन वी ऑलरेडी हैव सच टाइप ऑफ कलेक्शंस, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ NumPy. तो चलिए सारी बातें करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज NumPy? कि एग्जैक्टली NumPy है क्या? तो यहां पर मैंने NumPy के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, NumPy के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिनको हम वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहली स्टेप, NumPy इज स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी टू वर्क विथ एन अरे. कि जब भी आपको पाइथन में अरे को लेकर एप्लीकेशन क्रिएट करना है, देन द बेस्ट चॉइस इज NumPy. देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आया कि सर ऑलरेडी डेटा कलेक्शन के लिए, अभी आप नई चीज लेके आए, ऑलरेडी डेटा कलेक्शन के लिए हमने लिस्ट पढ़ा है, हमने टपल पढ़ा है, हमने अरे पढ़ा है, जो कोर पाइथन में हमने पढ़ा था, देन हाउ NumPy इज डिफर फ्रॉम दैट, राइट. तो यहां NumPy मॉड्यूल का जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, वो है इसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, जो कि इसको रिच करती है नॉर्मल अरे या लिस्ट या टपल से. कि यहां पर हमें देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल टू वर्क विद एन अरे इन NumPy. एंड विद द यूज ऑफ NumPy, द मेजर एरिया जो कि NumPy कवर करता है, दिस इज द एरिया जहां पर NumPy को हम यूज करेंगे फॉर एलजेब्रा एप्लीकेशन, फॉर मैट्राइसेस, फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म. यदि आपको इस तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो कि हम बात करेंगे मशीन लर्निंग, कि जहां पर हमें डेटा को मैट्राइसेस फॉर्म में कलेक्ट करना है, ठीक है, और मैट्राइसेस मतलब यू नो कि हम बात करने वाले 2D अरे के फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन की, राइट. तो NumPy का जो सबसे मेजर प्लस पॉइंट ये है कि दिस NumPy अलाउज टू क्रिएट अ वेरी इजी फॉर्मेट, 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे, ठीक है. तो यदि आपको 1-dimensional अरे क्रिएट करना है, 2-dimensional, 3-dimensional, सो दिस NumPy मॉड्यूल इज हैविंग अ फंक्शनैलिटी टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एन अरे. और यहां पर अब मेजर क्वेश्चन ये है कि सर जब NumPy को हम यूज करेंगे, देन व्हाई इट इज better than list and why it is better than the core array of the python? The major reason is that faster. ठीक है, NumPy is faster as compared to the normal list and array of the python, right? I hope कि यहाँ पर आपको concept समझ में आ रहा है. See this one. It is faster than the list and array of the core python. It is 50 times faster than the list and core array of python, right?
अब देखिए, जब हम बात करेंगे मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की, तो ऑब्वियसली बात है वी आर टॉकिंग अबाउट टू वर्क विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कि अगर आपको कोई डेटा प्रेडिक्शन करना है, सपोज अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि मुझे स्टॉक मार्केट डेटा प्रेडिक्शन करना है इन मशीन लर्निंग, तो वहां पर यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और जब अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा होगा तो हम यही चाहेंगे कि बॉस डेटा की प्रोसेसिंग फास्ट हो, कि जब भी हम कोई एप्लीकेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी वांट द फास्ट रिजल्ट, राइट। तो यहां पर NumPy इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल चॉइस टू स्टोर द डेटा, राइट। तो व्हाई वी आर गोइंग टू यूज NumPy रादर देन अरे एंड लिस्ट ऑफ द कोर पायथन, आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। अब मेजर क्वेश्चन ये भी आता है कई बार इंटरव्यू में, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई NumPy फास्टर देन द लिस्ट। उसका सबसे मेजर रीजन ये है, मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ दिस लाइब्रेरी रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस, एंड आई होप आपको पता है सी एंड सी प्लस प्लस इज फास्टर देन द पायथन, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ दिस लाइब्रेरी इज रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस, एंड दैट्स फॉर द रीजन NumPy इज फास्टर देन द कोर पायथन लिस्ट एंड अरे कॉन्सेप्ट, टपल कॉन्सेप्ट, राइट। अब कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं यहां पे, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू अरे इन पायथन। कि जब भी हमें पायथन में अरे को लेके कोई फंक्शनैलिटी से रिलेटेड वर्क करना है, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। जैसा कि अभी हमने बात की, इट्स फंक्शंस, द मॉड्यूल कंटेन लॉट ऑफ फंक्शंस टू वर्क विद एन अरे, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड द फंक्शन वर्क रिलेटेड विद द एल्जेब्रा, मैट्रिसेस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये वो एरियाज हैं which is basically a mathematical area। तो जब भी हमें Python में mathematical applications create करनी है, जब भी हमें Python में array को लेके application create करनी है, programming करनी है, तो the best option we should go for NumPy array rather than हम list या tuple या core Python के array को use करेंगे। तो I hope concept आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे major एक concept आप समझिए कि जब भी हम इस NumPy को use करेंगे, जैसे अभी हम NumPy के installation की बात करेंगे, okay? So here we have to import this NumPy module. तो यदि मान लो मैं NumPy module को import करता हूँ, तो you know there are multiple ways to import, right? हमने लिख दिया import NumPy, and then with this NumPy we can create a object of this NumPy module, array module, right? Or you can say that import NumPy as np, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक alternate नाम रख दिया of this module np, so that now I can access any function of this module with this np. Or you can go for from NumPy import star. तो यहां पर भी हमने पहले भी बात की है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज मैं आपके लिए कर रहा हूं कि there are three ways to import any modules. कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को यूज करते हैं, there are multiple option to import this. But हम generally जिस concept को यूज करते हैं वो this one, कि we'll create an alternate name of this NumPy module, and then after we'll use that name to access any method of that module. तो यदि मान लो हम इस concept की बात करें, कि यहाँ पर अगर मैंने NumPy को import किया है, and after import, ठीक, जो मैं एक छोटा सा important concept आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करिए उसको समझने की आप, right? कि suppose यहाँ पर अगर मैंने एक array create किया, right? तो ही NumPy, अभी हम आगे बात करेंगे, we have a function called array function, and this function required a list to create an array. तो मान लो अगर हमने एक array create किया, something like this, okay? But after creation of this array, this method returns an object, ठीक है, by which we can call the methods, by which we can call the functions to work with this array, and that object is basically called, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया arr, so this arr is what, this is what the object created by this NumPy, और ये जो object है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कि this object is basically called an nd array. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एनडी अरे। कि जब भी हम पायथन में NumPy को यूज करते हैं, दैट NumPy विल क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल कंटेन लॉट ऑफ फंक्शंस, तो हाउ टू एक्सेस दिस फंक्शन, उन फंक्शंस को हम एक्सेस कैसे करेंगे, ओके, सो हियर विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एनडी अरे। देयर आर लॉट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू, हाउ टू एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ NumPy मॉड्यूल, or what do you mean by nd array? So nd array is nothing but an object created to access the functions of NumPy. ki jab bhi hum NumPy mein array create karenge, after creation of an array, wo chahe 1d array hai, chahe wo 2d array hai, wo chahe 3d array hai. And see, remember, abhi tak jo array ka concept humne padha hai, wahan se bahut different concept yahan par hum NumPy mein baat karne wale hain. There are lot of different ways to create
अरेज इन नंपाई, हमें जीरो का अरे क्रिएट करना है, हमें वंस का अरे क्रिएट करना है, ठीक है। यूजिंग लाइन स्पेस हम अरे कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग रेंज फंक्शन हम अरे कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी फंक्शनैलिटी यहां पर हमें मिलने वाली है। गॉट माय कॉन्सेप्ट, राइट? तो यहां पर जब भी हम कोई अरे क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अरे इज कॉल्ड एन एनडीआर, रिमेंबर दिस थिंग, एंड विद दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस नंपाई मॉड्यूल। So this is what the brief introduction about this NumPy, ki why we should go for a NumPy aur hum NumPy ko kyon use karne wale hain, theek hai। To ek bar agar hum isko thoda sa briefly define kare ki humne kya kya baat ki hai, theek hai। To humne start kiya tha introduction of NumPy se, thoda sa briefly define kar raha hu main aapke liye। Fir humne baat ki ki NumPy is basically used for numerical python, it is one of the library of python to work with an array, it is faster than the normal array and list of the python। Why it is faster than the list of the python? The major reason is that the maximum part of this NumPy module of this library written in C and C++, and the second reason, its architecture, actually the NumPy module is designed with the current CPU architecture, so that it is faster than, it is 50 times faster than the array, it is 50 times faster than the list exist in the python, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि जब भी हमें पाइथन में अरे को लेके फंक्शनैलिटी वर्क करना है या अरे को लेके अगर हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, देन द बेस्ट चॉइस वी शुड गो फॉर NumPy, ठीक है। एंड देन सेकंड ऑप्शन हमने जो बात की थी कि इट इज आल्सो प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी रिलेटेड विद द अलजेब्रा फंक्शन, मैट्राइसेस, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब भी हम इस तरीके के कोई एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप करेंगे, जो कि हम 100% करेंगे जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो जब भी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना है, सो द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी नीड अ फास्टर कलेक्शन ऑफ द डेटा, जो हमें रिजल्ट फास्ट दे, एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज NumPy। तो यहां अभी हमने बात की NumPy के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाई वी शुड गो फॉर अ NumPy, व्हाट इज NumPy। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे हम बहुत शानदार कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी की बात करने वाले हैं इस NumPy को लेकर, कि कैसे हम 1D अरे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ 2D अरे, हाउ टू क्रिएट अ 3D अरे यूजिंग दिस NumPy। तो बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में द फंक्शनैलिटी ऑफ NumPy को लेकर। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।